गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और होप सो आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ गाइस। आप फिर से आप लोग सोच रहे होंगे क्या भाई इतने दिन के बाद व्लॉग लेकर आए, वो भी बिना मोटो व्लॉग का और बिना अपने बाइक के साथ। तो गाइस, अभी मैं हूँ अपने घर पे और अपने घर के छत में हूँ, और अभी मेरे घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और नीचे में अभी थोड़ा सामान इधर उधर फैला हुआ है, जिसकी वजह से मैं नीचे नहीं व्लॉग बना पा रहा हूँ। और मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था गाइस, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, फोटोशूट वगैरह करने गए थे एग्जाम के बीच में और आप लोग के लिए व्लॉग लेकर आए थे। तो गाइस, उस दिन फोटोशूट वगैरह हो गया था, रील वगैरह हो गया था, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो गाइस, मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ लेकर आया हूँ और बात करने के लिए आया हूँ। तो सोचा कि आप लोग से बात कर लूँ गाइस, तो बात तो करेंगे साथ साथ में कुछ अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग का रमज़ान चल रहा है और आप सबको तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से रमज़ान मुबारक हो सभी को। तो चलिए गाइज, अब आपसे कुछ कुछ बात करना है। जैसा कि आप लोग को बताना चाहेंगे गाइज कि मेरा जो है इंस्टाग्राम मोनेटाइज हो गया था, और इंस्टाग्राम मोनेटाइज होने के बाद मेरे को उससे पेमेंट रिसीव होने लगा है, और उसी पेमेंट से मैंने एक चीज़ ऑर्डर किया था। अब बहुत दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था, 1 वीक पहले, और उसको मैंने अनबॉक्स नहीं किया था एग्ज़ाम की वजह से, और मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ गाइज। वो आप लोग को दिखाते हैं कि क्या चीज़ है। तो देख सकते हैं गाइज, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ई कार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है पीछे में, फ्लिपकार्ट। तो डब्बा देख के आप लोग समझ सकते हैं कि ये फ्लिपकार्ट का डब्बा है। तो गाइज, चलिए इसको ओपन करते हैं। ऐसे तो ये ओपन बॉक्स डिलीवरी करता है फ्लिपकार्ट वाला, तो ये ओपन किया हुआ है। तो देख सकते हैं गाइज, ये ओपन बॉक्स डिलीवरी रहता है, तो ये ओपन किया हुआ है। अब चलिए, इसको ओपन किया हुआ है तो बाकी ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते, तो चलिए गाइज, इसको अनबॉक्स किया हुआ है, इसको आप अनबॉक्स करते हैं आपके सामने और दिखाते हैं क्या चीज़ है। देख सकते हैं गाइज, ऐसे पहले चेकआउट कीजिए, और ऐसे चेकआउट करने के बाद आपको समझ आ रहा होगा कि क्या है। तो इस डब्बे को साइड में फेंकते हैं, इसका अभी कोई काम नहीं है। और देख सकते हैं गाइज, ये पीछे में क्या चीज़ है, बोट ऑल अबाउट प्रोज। मतलब ये है गाइज, बोट का हेडफोन जो कान पे लगा कर यूज़ करते हैं वर्कआउट्स के लिए और ऐसे घूमने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर कितना अच्छा ये लग रहा है, चेकआउट कीजिएगा इधर। तो ये है गाइज, बोट का रॉकर्स प्रो 450, देख सकते हैं गाइज। इसको जिसको भी बाई करना होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग बाई कर लीजिएगा। लेकिन इसको मेरे को गिफ्ट मिला था इंस्टाग्राम की तरफ से, पेमेंट रिसीव हुआ था और मैंने उसी से ही ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। चलिए गाइज, इसको ओपन करते हैं, दिखाते हैं आपको कि क्या क्या इसमें मिला है। थोड़ा सा दिक्कत होगा गाइज मेरे को व्लॉग बनाने में, क्योंकि मैं अभी अपने घर के छत में हूँ और कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देख सकते हैं मैं कैसे बैठा हुआ हूँ। देखिए गाइज, यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, और ये इतना अच्छा पैक किया हुआ है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बोट। ये बोट का ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है गाइस, कोई भी अगर आप लोग म्यूज़िक के लिए लेते हैं, ईयरफोन हो, हेडफोन हो, या ईयरपॉड्स कुछ भी हो, या ईयरबड्स, देख सकते हैं गाइस। इसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे, उसके पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या एक्सेसरीज मिला। तो ये दोनों चीज़ को हम लोग पहले साइड रखते हैं गाइस यहाँ पर, और देखिए गाइस यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिला है। ये गाइस जो देख सकते हैं, ये जो हेडफोन है, ये जो हेडफोन है ये वायरलेस भी है और वायर्ड भी है, देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे वायरलेस, सॉरी गाइस, यहाँ पे वायर का पोर्ट दिया हुआ है, ये वायर से हम लोग लगा के अपने फ़ोन पे लगा के यूज़ कर सकते हैं, तो म्यूज़िक सुनेंगे। और ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट होता है गाइस। तो ये हो गया इस पर। और एसेसरीज में देखिए गाइस क्या दिया हुआ है, एक बोर्ड का स्टिकर दिया हुआ है, इसके साथ टाइप सी का चार्जर दिया हुआ है यहाँ पर चार्ज करने के लिए, देख सकते हैं गाइस। और साथ साथ में मैनुअल बुक्स भी है यहाँ पे, यहाँ पे मैनुअल बुक भी है, देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पे चेकआउट देख सकते हैं गाइस, ये जो है वारंटी कार्ड है बोट का, रॉकर्स 450 का। और यहाँ पे एक और मैनुअल बुक भी दिया गया है, देख सकते हैं गाइस। इस मैनुअल बुक में आईपीएल का भी दिया हुआ है, देख सकते हैं गाइस। और अभी आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला है, तो ये सभी टीम का यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन सा टीम के प्लेयर्स कौन कौन से बोट के प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करते हैं, देख सकते हैं गाइज यहाँ पे एक लाइन से यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको भी साइड करते हैं। तो देखिए गाइज, इसमें सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में ब्रांडिंग आता है बोट का, ये है, और यहाँ पे बोट का ये लोगो है। तो ये था गाइज छोटा सा मेरा अनबॉक्सिंग का वीडियो। तो गाइज, ये था मेरा अनबॉक्सिंग का वीडियो, अभी इसको साइड रखते हैं, और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि क्या क्या बात करना है, और उसके इसी वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि मेरे साथ क्या क्या कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ और मैं अपना क्या क्या चीज़ किया हूँ। तो गाइस, फाइनली मेरा जो बोट का रॉकर्स 450 था, बड़ा वाला हेडफोन, वो मैंने अनबॉक्स कर दिया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मेरे को आपको बहुत सारा चीज़ बताना है,
तो गाइज मुझे यही बताना है कि मेरा अभी मोटो व्लॉग कुछ दिन नहीं आएगा क्योंकि मैंने अपना इंस्टा 360 को सेल कर दिया है। गाइज सेल इसलिए किया है क्योंकि वो ख़राब था, ये था, इसकी वजह से सेल नहीं किया हूँ। मेरे को कुछ नीड था तो इसलिए मैंने सेल कर दिया। और गाइज मैं अभी कुछ सेव कर रहा हूँ पैसा अपने लिए, और मेरे को अभी कुछ न्यू चीज़ चाहिए। वो आप लोग जान सकते हैं कि क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए गाइज कि वो क्या होगा, अब वो क्या चीज़ के लिए मैंने सेव कर रहा हूँ इसको। तो गाइज आप लोग का वेट रहेगा कमेंट का, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ मैं सेव कर रहा हूँ और क्या चीज़ के लिए सेव कर रहा हूँ। और गाइज मेरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है, और एग्ज़ाम ख़त्म होने का मतलब है गाइज कि अब व्लॉग रेगुलर रहेंगे। और अभी रमज़ान भी चल रहा है तो रमज़ान की वजह से मेरा व्लॉग दो दो दिन के बाद आएगा। तो हर दो दिन में, जैसे मैं बोलता था कि दो दिन के बाद तीसरे दिन में व्लॉग आ जाएगा, ये व्लॉग चौथे दिन पे आ रहा है। और आज है गाइज 15 तारीख, 15 मार्च 2024, आज ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और आज ही मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो गाइज कमेंट करके बताइए कि मैं किस चीज़ के लिए अपना मनी सेव कर रहा हूँ। और जल्दी से जल्दी आप लोग को एक गुड न्यूज़ भी मिलने वाला है गाइज, और मोटो व्लॉगिंग गाइज अब रेगुलर रहेंगे। अब मोटो व्लॉगिंग में आप लोग का सपोर्ट चाहिए, अब कमेंट करके बताइए गाइज कि क्या होगा वो। और आप लोग को जिसका वेट था गाइज कि आवाज़ ठीक नहीं आ रहा है, हवा का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, विंड नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है, तो गाइज़ वो भी ठीक हो सकता है, मैं आपको इतना हिंट दे रही हूँ। तो गाइज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ के लिए मैं मनी सेव कर रहा हूँ और क्या चीज़ सरप्राइज़ होने वाला है। तो गाइज़ इस वीडियो में अगर आप लोग को टारगेट देता हूँ गाइज़ 50 कमेंट का, मैंने पहले भी रखा था लेकिन गाइज़ इस वीडियो में 50 कमेंट का टारगेट रख रहा हूँ। अगर आप लोग 50 कमेंट कर देते हैं तो वो सरप्राइज़ मैं जल्दी से जल्दी आप लोग के सामने लेकर आऊँगा। तो चलिए गाइज़ और भी एक चीज़ बताना चाहते हैं कि इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इससे पिछले के पिछले वीडियो में जब मैं अपना गाड़ी का एग्जॉस्ट का आवाज़ आप लोग को सुना रहा था तब, कि ड्यूक 390 मेरे जो टोपो का है उसका मैं टॉप एंड निकालना चाह रहा था, फोर्थ गियर पे टॉप एंड। ज़्यादा दूर का चैलेंज था नहीं गाइज, छोटा सा ट्रैक था 5 किलोमीटर का जैसा, वहाँ पर मैं टॉप एंड निकाल रहा था। तो गाइज इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉप एंड दिखाऊँगा आपको अपने टोपो का 390 पे, और उसके बाद आप लोग को लिए सरप्राइज लेकर आऊँगा। तो गाइज़ जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, 50 कमेंट इस वीडियो में कर दीजिए, इस वीडियो में 50 कमेंट कर दीजिए गाइज़ जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग को सरप्राइज देखने को मिले। तो गाइज़ कमेंट करके बताइए आज का ये छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो और इतना सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा गाइज़ तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी में शेयर करें। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइज, दिस इज कैफ साइनिंग ऑफ। Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited.